मुख्यमंत्री में बात उस वंशवाद की जहां पिता विधायक रहते हुए कहते हैं कि अब उनको सियासत नहीं समाज सेवा करनी है और सियासत की जिम्मेदारी अब पुत्र के कंधों पर डाल दूंगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं को यहां तक कहा जाता है कि चारों दिशाओं में फैल जाओ और हर किसी को बताओ कि बेटा जीत रहा है। आज वंशज में बात जसवंत सिंह के बेटे मोहित यादव की। एक 1000% मोहित अपने टैलेंट से मुख्यमंत्री बनेगा ना, सॉरी गलत नाम दे दिया, सॉरी कान पकड़ता हूँ, मंत्री बनेगा। माफी मांगनी तो सही है, लेकिन क्या है पिता की वो महत्वाकांक्षा है जो दिल से निकल जुबान तक तो पहुंच गई, लेकिन जैसे ही लगा कि ये बयान पुत्र की सियासी तौर पर भ्रूण हत्या कर सकता है तो तोबा तोबा स्टाइल में माफी मांग ली गई। लेकिन जरा सुनिए, जिस पुत्र मोह में पिता सियासत त्यागना चाहते हैं उनकी सियासत क्या कहती है। जब तक एक आपस में बात नहीं होती तब तक आपस की दूरियां भी खत्म नहीं होती और तब तक आदमी एक दूसरे के पास नहीं आ सकते। आपके समक्ष जब मैं गाँव में जा रहा हूँ। यकीनन बड़ी बात कह गए मोहित यादव, जब तक आपस में बात नहीं होगी आपस की दूरियां खत्म नहीं होती, तो क्या मान लिया जाए कि पिता के द्वारा पुत्र के लिए टिकट की बात हो चुकी है और दूरियां खत्म हो चुकी हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जसवंत कह चुके हैं कि वो अब संन्यास लेना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में भी मोहित यादव के लिए टिकट मांगा था, सार्वजनिक मंच पर मोहित को भावी मंत्री बताया जा चुका है। शायद मोहित यादव भी खुद को अभी से मंत्री समझ रहे हैं, लेकिन इनकार तो इस बात से भी नहीं किया जा सकता कि मोहित वर्तमान में मंत्री पुत्र तो यकीनन है और इसे वो उपलब्धि मानकर खुद को मंत्री से कम भी नहीं समझते, तभी तो वो अधूरे वादों को पूरा करने का दावा कर रहे हैं, विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, जनता के बीच में सियासी यात्रा पर घूम रहे हैं। अब ये भावी विधायक के सपनों का वो आसमान जहां अभी तक सच तो ये है कि कोई चमकता सितारा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि टिकट की इस दौड़ में जरा मोहित के बारे में भी थोड़ी जानकारी हम आपको देते हैं। मोहित यादव विदेश से पढ़ाई करके वापस आए हैं, पिता मोहित को युवा नेता के तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं। मोहित यादव वर्तमान में बीजेपी में किसी पद पर नहीं है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि मोहित यादव के पास कोई पद है या नहीं, यकीनन पावर तो है, तभी तो जरा देखिए कैसे मोहित खुद को भावी प्रत्याशी के तौर पर आगे रखते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को कैसे संबोधित कर रहे हैं। चुनाव से पहले एक मीटिंग हो जाए, एक आपस में जानकारी हो जाए, एक मेल मिलाप हो जाए, क्योंकि उसके बाद तो सारे चुनाव में लग जाएंगे, तो एक मन था कि आप सबसे मुलाकात करने का, आप सबसे बैठ के बात करने का। डॉक्टर साहब भी अपने दिल की बात करना चाहते थे, मैं भी अपने दिल की बात करना चाहता हूं। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि मोहित इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि उनको ही टिकट मिलेगा। तो फिर हम आपको एक और बयान सुनाते हैं जो मोहित के पिता और वर्तमान मंत्री जसवंत यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिया था। कितना ही फैलाएंगे, अभी रोज फोन आवे, सब फैला आदमी को टिकट के, अरे देरो टिकट तो मैं ही काट रहा, किसी तरह मोहित के लिए कट जाए, मैं ही जोर लगा रहा खुद ही, टिकट कैठे भाग के जा रहा हूँ, मारे बिना शुरू टिकट जाके करे रू की हम बैठे आओ थारा बिना मारे, मान लो मैं कल्पना मुझे करनी नहीं चाहिए सर। इस बयान के बाद पिता को सियासी तौर पर वो फिनिक्स पक्षी कह सकते हैं जो जलेगा तभी नया पक्षी पैदा होगा, यानी जसवंत यादव अपनी सियासी राग से मोहित की सियासत को जिंदा करने की तैयारी कर चुके हैं और इसके लिए जसवंत कार्यकर्ताओं को सीधा कहते हैं कि झूठ बोलना पड़े तो बोलो और कहो कि मोहित यादव जीत चुका है। लेकिन मोहित यादव क्या कहते हैं ये भी जरा सुनिए। एक मन है कि लोगों की सेवा करने का भाव और सेवा के अंदर खूब लोगों के साथ जुड़ाऊं और पॉलिटिक्स एक तरीका है अपने आप उनके बीच में आने का, उनके लिए कुछ करने का। अब ये कमाल है, पिता सियासत को छोड़ समाज सेवा करना चाहते हैं और पुत्र कहते हैं कि वो समाज सेवा के लिए ही सियासत करना चाहते हैं, लेकिन क्या टिकट मिलेगा, कमल खिलेगा और जसवंत यादव की जुबान में मोहित मुख्यमंत्री बनेगा, उफ माफ कीजिए मंत्री बनेगा, जल्दी तस्वीर साफ हो जाएगी। बहरोड की एक सियासत गरमाने लगी है और वहीं वंशवाद को बढ़ावा मिल रहा है। अब देखना होगा कि क्या मोहित को पार्टी टिकट दे पाती है या फिर डॉक्टर जसवंत यादव ही खुद चुनावी मैदान में होंगे। बहरोड से जितेंद्र की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।